हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हैं और बढ़िया से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर बेटा आगे बढ़ाते हैं। राइट, लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने 3.2 तक डिस्कस कर लिया था, इन विच वी टॉक्ड अबाउट, यू नो, वी टॉक्ड अबाउट द पाटीदार्स। हम लोगों ने पाटीदार्स के बारे में बात किया था। राइट, पाटीदार्स ऑफ गुजरात, उनके बारे में बात किया था। फिर हम लोगों ने, यू नो, जाट्स के बारे में बात किया था, जाट्स ऑफ यूपी के बारे में बात किया था। राइट, एंड इसमें फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया था, एंड पार्टिसिपेट किया भी थे तो बाद में ये जो है वो पीछे हट गए थे ड्यू टू सेवरल रीजंस, वो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ना। अब आते हैं 3.3 में, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट। बेटा यानी कि सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट के जो हम लिमिट्स की बात करें तो उनके कौन कौन से हमारे लिमिट्स थे, लेट अस टॉक अबाउट दैट। बेसिकली इनमें से आई थिंक जो मेन जो हमारा था बेटा दोस्त, यू नो, जो हम लोग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बात करें तो इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, राइट, द ऑल सोशल, यू नो, ग्रुप ऑफ आवर सोसाइटी हैज़ डिफरेंट एस्पेक्ट। सब लोगों का अपना अपना अलग अलग एस्पेक्ट था इसमें। राइट, लाइक मेनली हम लोग इसमें बात करें तो दे वेयर डिप्रेस क्लास। ठीक है, यानी कि हम लोग डिप्रेस क्लास की बात ना करके, हम मतलब लाइकली मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि एससी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एससी एसटी की बात कर रहा हूँ। ये लोग पहले तो ये लोग थे, दोज हु डोंट हैड टू मच इंटरेस्ट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। राइट, दूसरे हमारे कौन लोग थे? दूसरे थे हमारे मुस्लिम्स। हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि मुस्लिम्स के बारे में भी और उनके बारे में भी कि किस तरीके से था। सो मेनली हम लोग आइए सबसे पहले देखते हैं डिप्रेस क्लास के बारे में बात करते हैं। वो वर ऑल्सो नोन एज अनटचेबल्स। राइट, आइए जरा देखते हैं। नाउ डी स्टूडेंट्स, यू नो, इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो हमारे कुछ लोग थे जो जिनको हम लोग अनटचेबल्स के नाम से जानते थे, विच वॉज कॉल्ड बाई गांधी एज हरिजन। गांधी ने वो क्या कहा था? हरिजन कहा था। और हरिजन का मतलब क्या होता है? हरि का जन, मतलब द चिल्ड्रेन ऑफ गॉड। ये गांधी ने जो है वो कहा था इन दैट केस। तो जो अनटचेबल्स लोग थे, दोज हु वर ऑप्रेस्ड एंड दलित ऑल्सो, उन दलित लोग थे जो ऑप्रेस्ड थे, तो उन लोगों ने जो बातें कही थी उसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। द स्टूडेंट्स ध्यान रहे, कांग्रेस पार्टी, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस कर चुका था कि कांग्रेस पार्टी वॉज इन डायलेमा। कांग्रेस पार्टी डायलेमा में थी कि, यू नो, अपर कास्ट के जो हमारे लोग थे, हिंदूज थे, दो नोन एज सनातनीज, उनको हम लोग क्या बोलते थे? सनातनीज के नाम से जानते थे। सो ये जो लोग थे हमारे, उन लोगों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, जो अनटचेबल्स लोग थे, इनको बहुत बड़े लेवल पे जो है वो नहीं कर पाते थे, उनके बड़े लेवल पे जो है वो उस तरीके से नहीं कर पाते थे, कांग्रेस पार्टी में इन्वॉल्व नहीं कर पाते थे। इसके पीछे रीज़न ये था कि जो सनातनीज लोग थे, अपर क्लास लोग थे, वो इस बात से नाराज़ हो जाते थे। राइट, सो ये डायलेमा था। बट वेन गांधी अराइव्ड इन इंडिया, आपको पता होगा गांधी भारत में कब आए? 1915 में आए। इनफैक्ट कब आए? 9th of January 1915। और इसी 9th of January को हम क्या मनाते हैं? NRI डे भी मनाते हैं। आई थिंक हम लोग सब ने इसको क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं हम लोग। तो जब गांधी, व्हेन गांधी अराइव्ड इन इंडिया, तो उसके बाद गांधी ने जो है वो सिस्टम शुरू किया। गांधी ने ये कहा कि वी विल नॉट गेट इंडिपेंडेंस फॉर द 100 ईयर ऑल्सो इफ विल नॉट बी यूनाइटेड। और जब तक हम, इफ वी विल नॉट वायलेट दिस अनटचेबिलिटी, ठीक है, अगर हम इस अनटचेबिलिटी को खत्म नहीं करेंगे, रूट आउट नहीं करेंगे, तब तक हम जो है वो इसको नहीं, आज़ादी हमें नहीं मिल सकती, डियर स्टूडेंट्स। राइट, एंड दैट इज़ वाई गांधी एश्योर्ड बेसिकली ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह एंड ही सिक्योर द एंट्री ऑफ एससी क्लास कम्युनिटी इनटू द टेंपल्स, वेल्स, रोड एंड स्कूल्स। उसमें गांधी ने जो है वो इनकी एंट्री दिनवाने की बात कर ली, जबकि सच्चाई ये है कि बहुत से ब्राह्मण्स और द ऑर्थोडॉक्स हिंदू, यू नो, सोसाइटी, दे वर अनवाइड विद द, यू नो, द दिस डिसीजन ऑफ गांधी। वो लोग इससे नाराज भी थे। ऑलराइट, आइए आगे देखते हैं। बहुत बार गांधी हिमसेल्फ क्लीन द टॉयलेट ऑल्सो। गांधी ने खुद जो है वो टॉयलेट को क्लीन किया था। क्यों? टू डिग्निफाई, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वैसे आ सकता है बेटा आपका एनटीएससी में, टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द स्वीपर। ठीक है, स्वीपर के वर्क को डिग्निफाई करने के लिए गांधी ने जो है वो इस काम को किया था। आइए देखते हैं। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, इन 1930s की बात कर रहा हूँ मैं, 1930 के दशक की बात करें अगर हम लोग, तो उसमें नाउ द एससी कम्युनिटी, दे स्टार्टेड पॉलिटिकली, यू नो, इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दिया और वो अवेयर होने लगे और वो यूनाइटेड भी होने लगे, डियर स्टूडेंट्स। और इसी के बाद जो है, यू नो,
दे हैड बेसिकली थ्री डिमांड्स एट दैट टाइम. तीन डिमांड उन्होंने किया, 1930s की बात कर रहा हूँ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, राइट. उन्होंने पहला डिमांड था उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. उन्होंने कहा कि वी वॉन्ट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसी पॉलिटिकल यू नो एम्पावरमेंट का एक पार्ट था, रिजल्ट था, जिसकी वजह से उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी. दो सेपरेट इलेक्टोरेट की हम बात करेंगे आगे, यहाँ पर हमने डिस्कस करना है, ठीक है. इसीलिए अब पहला आपको ध्यान रखना है कि दलित ने क्या क्या डिमांड रखे थे अपने 1930s और एट द टाइम ऑफ सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट. तो पहला डिमांड था उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, दूसरा डिमांड था उनका रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. अब वो कहने लगे कि भाई हमें जो सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें हमें रिजर्वेशन दो, ताकि हम जो है वो अपने यू नो आगे बढ़ सके एजुकेशन में मामले में. तीसरा था उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रेट की बात करी थी, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अभी इन दैट केस, ठीक है. सो ड्यू टू ऑल दैट रीजंस, ऑल दैट फैक्टर्स, राइट, दिस शेड्यूल्ड कास्ट और द डिप्रेस क्लास और द हरिजन्स और द अनटचेबल्स, राइट. अच्छा बेटा, मुझे अनटचेबल्स याद आया, एक बार बताऊँ मैं आपको, क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा सकता है, फंडामेंटल राइट से हमारा है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, टॉक्स अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी. आंसर इज आर्टिकल 17, राइट. सो आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट अनटचेबिलिटी, ठीक है. वाल उसको छुआछूत को खत्म करने की बात करता है. यहां तक क्लियर है आपका? अब आओ, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द अंबेडकर. अब अंबेडकर ने कौन कौन से स्टेप लिए, अंबेडकर के द्वारा लिए गए स्टेप जो थे वो कौन कौन से थे, इसके बारे में हम लोग जो है वो बात करते हैं, ठीक है. सबसे पहली बात कि डियर स्टूडेंट्स, अंबेडकर फॉर्म्ड डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन इन 1930. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंबेडकर ने क्या किया, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाया 1930 में. इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट, अंबेडकर हैज क्लैश्ड विद गांधी, राइट, एट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑल्सो. पता है आपको सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1931 में हुआ था. और उस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर की जो बहस हुई थी गांधी से, वो सिर्फ इसी बात पे थी, सेपरेट इलेक्ट्रेट पे, इन दैट केस, ठीक है. डी स्टूडेंट्स, मैं बताऊँ आपको, सेपरेट इलेक्ट्रेट अगर आपको याद हो तो हमने क्लास में डिस्कस किया था, जब मैं आपसे डेट डिस्कस कर रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था, एक बताया होगा 1909 बताया था, राइट. 1909 में क्या बताया था मैंने आपको, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म बताया था, राइट. मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म, इसमें भी उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रेट की भी बात करी थी, लेकिन इसमें जो उन्होंने बात किया था 1909 वाले में, इस 1909 के सेपरेट इलेक्ट्रेट में उन्होंने बात किया था मुस्लिम्स के बारे में, ठीक है. स्टूडेंट्स, अब वो किसकी बात कर रहे हैं, अब वो जो बात करने जा रहे हैं, फिर से एक बार उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया, अब वो बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, एससी एसटी को जो है वो उन्होंने इस पर फिर से यहां पर जो है वो कर दिया. सो इन सेपरेट इलेक्ट्रेट में उन्होंने क्या कहा, सेपरेट इलेक्ट्रेट में उन्होंने ये कहा कि यू नो दोज एरिया हैविंग द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ एससी, जिन एरिया में एससी ज़्यादा हैं उनके लिए सीट रिजर्व होगा. हमने कहा कोई बात नहीं भाई, आज भी हमारे यहाँ सीट रिजर्वेशन होता है. बट उन्होंने ये कहा कि जो हमारा यू नो लेकिन वोट भी सिर्फ कौन देगा, सिर्फ एससी कम्युनिटी के लोग ही वोट देंगे, ठीक है. ध्यान रहे, अंबेडकर वॉज इन द सपोर्ट ऑफ दिस सेपरेट इलेक्ट्रेट. अंबेडकर सेपरेट इलेक्ट्रेट का सपोर्ट करते थे, जबकि गांधी इसका विरोध करते थे. व्हाट वॉज द ओपिनियन ऑफ गांधी अबाउट सेपरेट इलेक्ट्रेट, देखो जरा. सो गांधी का जो ओपिनियन था हमारा सेपरेट इलेक्ट्रेट के बारे में, गांधी ने कहा कि दिस सेपरेट इलेक्ट्रेट विल स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ दलित इंटीग्रेशन इनटू आवर सोसाइटी. हमारे सोसाइटी में दलित के इंटीग्रेशन को कम कर देगा ये, यानी कि हम समाज में को अपने साथ मिलाना चाह रहे हैं, और हमने अगर सेपरेट इलेक्टेड को लगा दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये हमारे कंट्री के इंटीग्रेशन में हार्म करेगा और हमारे इंटीग्रिटी को हार्म पहुंचाएगा, ठीक है. सो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म का ही मॉडिफाइड रूप था सेपरेट इलेक्ट्रेट, राइट, और इसी के बारे में बात की गई थी, ध्यान रहे. दूसरा जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपसे पूछ देगा व्हाट डू मीन बाय कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड से क्या समझते हैं आप, तो ध्यान रहे, दिस कम्युनल अवार्ड वॉज यू नो अवॉर्डेड बाई रामसे मैकडोनाल्ड. ध्यान रहे, कौन? रामसे मैकडोनाल्ड. मैकडोनाल्ड भाई बर्गर भी फेमस है इसका, रेस्टोरेंट, राइट, इसे याद रखना. यू नो 16th of August की बात है ये, 16th of August 1932 को, राइट, कम्युनल अवार्ड जो है दिया किसने, रामसे मैकडोनाल्ड ने, बात करें तो. और रामसे मैकडोनाल्ड ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यू नो एट दैट टाइम, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे. उन्होंने ये ऑफर किया था, एक बार फिर से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक तरीका था हमारा, और जो इंडिया को डिवाइड करने की बात जो है वो करता था, ठीक है. सो इसमें जो कम्युनल अवार्ड था, इन्होंने रामसे मैकडोनाल्ड साहब ने दिया था अगस्त
16th ऑफ अगस्त 1932 को। 16th ऑफ अगस्त से मुझे याद आया बेटा, एक बार और ध्यान रखना, 16th ऑफ अगस्त राइट, अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने एक डे सेलिब्रेट किया था, और जिस डे का उन्होंने नाम रखा था डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे उन्होंने नाम रखा था। और इस डे का मतलब ये था, उन्होंने ये कहा कि अगर इंडिया का विभाजन नहीं किया गया तो हम 16 अगस्त 1940 को हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे, और उन्होंने 16 अगस्त को लिया भी था। और कलकत्ता में खुलेआम गलियों में कत्लेआम हुए थे और हिंदुओं को मारा गया था, और मेनली जो पार्टीशन का ब्लडशेड था हमारा, दैट ब्लडशेड ऑफ द पार्टीशन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम यू नो 16th ऑफ अगस्त 1946। ध्यान रखना इसको भी, 16th ऑफ अगस्त से मुझे ध्यान आ गया। एनीवे, सो उसी 16th ऑफ अगस्त 1932 में रामसे मैकडोनाल्ड को जो है वो उन्होंने कम्युनल अवार्ड किया था, और उसमें ये बात की गई थी कि भाई जो एससी क्लास के लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, और उनको जो है वो यू नो रिजर्वेशन देके, और वोट भी सिर्फ एससी क्लास के लोग ही करेंगे। गांधी ने इसका विरोध किया, गांधी ने इसलिए विरोध किया क्योंकि गांधी ने कहा कि इट विल स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ दलित इंटीग्रेशन इन टू आवर सोसाइटी राइट। स्टूडेंट्स, अंबेडकर इसको डिमांड कर रहे थे, गांधी इसके विरोध में थे, और इसी समय इसी चीज़ को विरोध करते हुए गांधी जी उस समय पूना के जेल में थे, पूना जेल में थे गांधी जी, और उस पूना जेल में ही गांधी का जो सबसे बड़ा हथियार था वो क्या था, भूख हड़ताल का हथियार था, और भूख हड़ताल पे बैठ गए। और भूख हड़ताल के बाद जो है वो लोगों ने अंबेडकर से कहा कि गांधी के साथ जो है समझौता करने के लिए, एंड स्टूडेंट्स अ पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर, एंड दैट पैक्ट इज नोन एज पूना पैक्ट। उसी पैक्ट को हम लोग जो है वो पूना पैक्ट 1932 के नाम से जानते हैं, और ये पूना पैक्ट 1932 में हमारा पास हुआ। क्वेश्चन पूछा है किसके किसके बीच में साइन हुआ, तो पूना पैक्ट वॉज साइन बिटवीन द अंबेडकर एंड महात्मा गांधी राइट। और ये हमारा किसके बारे में बात की गई थी, तो सेपरेट इलेक्टेड के बारे में बात की गई थी, कम्युनल अवार्ड जो था वो उसके बारे में बात की गई थी, उसका विरोध किया था गांधी ने। कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा दिया गया था, तो रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा दिया गया था राइट। पूना पैक्ट कब हुआ, तो 1932 में हुआ, क्लियर है। अब पूना पैक्ट में इसके रीजन क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ रिजर्वेशन जो एससी कम्युनिटी के थे, एससी कम्युनिटी को इससे फायदा हुआ कि द रिजर्व सीट्स वर इंक्रीज्ड एट द प्रोविंशियल लेवल, जो प्रोविंशियल लेवल पर जो सीट्स थे उसको इंक्रीज कर दिया गया, और साथ साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो सीट्स थे उसको भी इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। लेकिन गांधी ने कहा कि दीज ऑल मेंबर्स वुड बी वोटेड बाई द जनरल इलेक्टोरेट ओनली। भैया ऐसा नहीं है कि आपको जो हमने रिजर्वेशन दे दिया, सीट्स को रिजर्व कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एससी ही उसको वोट करेंगे, उसको वोट करने के लिए जो है वो सब लोग वोट करेंगे, एक ब्राह्मण भी वोट करेगा, क्षत्रिय भी करेगा, वैश्याज भी करेगा, शूद्राज भी करेगा, सब लोग वोट करेंगे, इस बात के बारे में बात की गई थी इन दैट केस राइट। तो ये था आपका लिमिट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अगला एक टॉपिक आपका रह गया वो मुस्लिम्स वाला, ओपिनियन ऑफ मुस्लिम्स, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।